आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसको आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में ब्लड ग्रुप्स तक देखा था कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं उनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग बच्चों हृदय की संरचना के बारे में देखेंगे कि हृदय की संरचना कैसी होती है और ये हमारे लिए शरीर में कहाँ पे स्थित होती है, इस चीज़ को आज देखेंगे। बच्चों हृदय जो है हमारे रक्त प्रसंचरण तंत्र का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। हृदय से ही बच्चों हमारे शरीर में रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। हमारे हृदय में दो तरह की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम धमनी धमनी और सिरा, ठीक है, धमनी और सिरा कहते हैं। धमनी में हमारे शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, शुद्ध रक्त, और सिरा में हमारे अशुद्ध रक्त, ठीक है। यानी कि धमनियाँ जो होती हैं शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में प्रवाहित करती हैं और सिराएं जो होती हैं अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर में हृदय में लाती है, फिर हृदय से वो फेफड़ों में जाता है। तो धमनी और सिराओं के माध्यम से हृदय में हमारे शरीर में पूरे रक्त की आपूर्ति होती है और इन्हीं रक्त में ही हमारे कोशिकाओं में ऊतकों तक जाते हैं जिससे हमें पोषक तत्व तो मिलते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत में वृद्धि होती है। तो बच्चों आज हम लोग हृदय की बात कर रहे हैं कि हृदय हमारे संरचना के रूप में कैसा दिखता है। तो हृदय की अगर पहले हम बाह्य संरचना की बात करें कि हृदय की बाह्य संरचना कैसी होती है, तो बच्चों ये हृदय की बाह्य संरचना है जो एक मांस का, जैसे उस मतलब खोखली दबदबा टाइप का ये मांस का एक आकार के रूप में होता है। ये एक नाशपाती के आकार का दिखता है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक नाशपाती के आकार का दिखता है और इसका ऊपरी भाग जो होता है चौड़ा और नीचे का भाग इनका पतला हो जाता है। तो हृदय की संरचना में हम लोग इसकी बाह्य संरचना को देखते हैं कि बाह्य संरचना हृदय की कैसी होती है। इसका वजन बच्चों करीब, हृदय का जो वजन होता है करीब 300 ग्राम तक होता है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम तक। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी हो जाती है बच्चों, लंबाई इनकी 12 सेंटीमीटर तक होती है हमारे हृदय की, ठीक है, लंबाई 12 सेंटीमीटर तक हो गई। चौड़ाई इनकी होती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर हो गई। और मोटाई मतलब मोटा कितना होगा उसकी लेंथ, मोटाई करीब इसकी हो जाती है बच्चों 6 सेंटीमीटर तक की मोटाई हो जाती है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई मोटाई हो गई और इसका वजन कितना करीब होता है? 300 ग्राम तक। एक नौजवान व्यक्ति के हृदय का वजन 300 ग्राम तक, और लंबाई इनकी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। ये हृदय हमारा, इसकी ये बाह्य संरचना है। ऊपरी सिरा में दाहिना आलिंद और ये आपका बायां आलिंद हो गया, और नीचे जो इनका होता है ये निलय होता है। ऊपर आलिंद की संरचना होती है, नीचे निलय की संरचना होती है, और इन्हीं संरचनाओं के द्वारा हमारे शरीर में जो रक्त की आपूर्ति पूरी होती रहती है। ये हृदय की बाह्य संरचना है, ठीक है। हृदय की बाह्य संरचना को देखा जाए तो हृदय हमारा दोनों फेफड़ों के बीच में, जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके बीच में हमारे हृदय की संरचना स्थित होती है। दोनों फेफड़े जो होते हैं उनके बीच में हमारे मध्य छंद में इनकी स्थिति साफ दिखाई देती है। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे नीचे हृदय स्थित होता है। हृदय का ऊपरी भाग सकरा होता है, ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचली भाग इनका यहाँ पे पतला हो गया। तो ये चीज़ होती है हृदय, ये निम्न सिरा, डार्सल आल्टा और ये आलिंद और निलय की संरचना से पूरा हृदय आपका दिखाई देता है। हृदय की बाह्य संरचना कैसी होती है? इनकी संरचना बहुत ही सॉफ्ट में होती है, और फिर इनकी संरचना में लंबाई चौड़ाई मोटाई, और हमने इसके वजन की बात की कि इसकी वजन की बात हो गई। हृदय ही वो है बच्चों जिससे हमारे शरीर की गति चलती है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता, और इसी हृदय से रक्त हमारे धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, फिर सिराओं से अशुद्ध रक्त। रक्त अशुद्ध कैसे होता है बच्चे? जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है उससे कुछ ज्वलनशील पदार्थ टूटते हैं जिससे वो रक्त को अशुद्ध कर देते हैं। तो फिर वो रक्त
जो अशुद्ध रक्त है वो सिराओं के द्वारा फिर हमारे हार्ट पे आते हैं, हृदय में आते हैं, और हृदय से वो रक्त कहाँ जाता है शुद्ध होने के लिए, फेफड़ों में जाता है। वो रक्त फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर हमारे हार्ट में आता है, और फिर हार्ट में आके फिर धमनियों के द्वारा फिर वो शुद्ध रक्त हमारे शरीर में चलता रहता है। हमारे 24 आवर ये जो प्रक्रिया होती है ये बच्चों चलती रहती है, हम सोते जागते रहते हैं, ये हमारे हृदय की क्रिया 24 घंटे चलती रहती है। तो हृदय के द्वारा ही अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर हमारे हार्ट में हृदय में आता है, और ये प्रक्रिया जो होती है, ये जो चक्र होता है, ये हमेशा चलता रहता है। बच्चों ये बात हो गई हृदय की बाह्य बनावट की, कि हृदय की बाह्य बनावट कैसी होती है। ये एक नाशपाती के आकार की इनकी संरचना होती है, नाशपाती के आकार की संरचना होती है, ये मुट्ठी भर इसका आकार होता है, जो भी इनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई इनकी 6, और वजन करीब कितना हो जाता है 300 ग्राम तक हमारे हृदय का वजन होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हृदय की आंतरिक संरचना की। ये आपकी बाह्य संरचना थे, हृदय की हम आंतरिक संरचना को देखते हैं कि हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है। बच्चों जब इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करेंगे, जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है कुछ होता है तो उसके बाद हम हृदय की आंतरिक संरचना को देखते हैं। ये गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार, देखिए ये गुलाबी रंग का जो, क्योंकि उस पर ब्लड का है तो लाल रंग का, ये त्रिकोणाकार एक आकार का इसकी संरचना होती है। हाँ, इसकी जो ये मांसपेशियाँ किससे बनी होती है, मीसोडर्म से बनी होती है, मीसोडर्म, ठीक है। इनके जो ये छलनी होती है ये मीसोडर्म से बनी होती है। ये हमने बताया ये हमारे फेफड़ों के बीच, दो फेफड़ों के बीच में हृदय की संरचना हमारी स्थित होती है। ऊपर का भाग इसका चौड़ा और नीचे का भाग संकरा होता है। बच्चों हृदय सबसे पहले नॉर्मली दो भागों में बटा होता है, ठीक है। यहाँ से हृदय दो भागों में बटा होता है, एक बायां भाग और एक दायां भाग। ये दोनों भाग आपस में मिलते नहीं है, एक कपाट के द्वारा ये आपस में अलग अलग रहते हैं। ये इनमें कपाट होते हैं, जब वो कपाट खुलते हैं और फिर बंद होते हैं, लेकिन ये दोनों, ये दो भागों में बटा, एक दायां एक बायां, फिर इसमें ये अलग अलग एक संरचना होती है। फिर इन सारी संरचनाओं के बाद हृदय को दाएं भाग को फिर दो भागों में बांटते हैं और बाएं भाग को भी दो भागों में बांटते हैं। इस प्रकार हृदय में हमारे 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद 2 निलय, ठीक है। पहले दो भागों में हमने हृदय को बांटा, फिर दो भागों के जो इनके दो भागों में बांटे, तो कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं हमारे हृदय में बच्चों, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय। अब इसमें बात कर लेते हैं कि आलिंद और निलय की संरचना कहाँ कहाँ होती है। तो ये जो ऊपर की जो है, ये संरचना आपकी है दाहिना आर्टिकल, ये आपका आलिंद है, ठीक है, ये आपका बायां आलिंद हो गया, और फिर ये दायां निलय है और ये आपका बायां निलय है। तो जो भी अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में होता है वो हमारे इस दाएं निलय में आके हमारा अशुद्ध रक्त स्टोर होता है, और फिर यहीं से फेफड़ों में वो शुद्ध होने के लिए जाता है। अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, हमारे दाहिने निलय में आ जाता है, और यहीं से अशुद्ध शुद्ध रक्त होने के लिए कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, ठीक है। और अब बात आ गई, ये जो आपका ये बायां निलय है ये दाएं निलय से कुछ बड़ा होता है, ठीक है। ये यानी कि आपका ये दाहिना निलय छोटा होगा और बायां निलय आपका बड़ा होगा। आपका ये जो बायां वेंट्रिकल यानी कि निलय है ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पंप करता है, इसी से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति होती है, और ये आपका ये पूरे शरीर को पंप करता है। तो ये बात थी कि हृदय पहले दो भागों में बटा हमारे दाएं और बाएं, और फिर इनको हम लोगों ने दो भागों में बांटा, यानी कि हमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, हाँ, दायां आलिंद, फिर पहले होगा आपका दायां आलिंद, फिर बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इस तरह मिला के हृदय को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। और हृदय की जो ये सिरा महा निम्न महासिरा हो गई आपकी, और फिर यहाँ से ये आपका मीसोडर्म की इसकी संरचना होती है, ये आपका बायां आलिंद और कोलोमनी धनी धमनी होती है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जिससे हमारे शरीर में पूरे रक्त की आपूर्ति होती है, और जो निम्न महासिरा है इससे हमारा शुद्ध रक्त की
होती है। तो अशुद्ध रक्त हमारा कहाँ होता है, आपके दाहिने निलय में, और यहीं से निलय में से रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, फिर वहां से वो रक्त शुद्ध होकर हमारे इस बाएं निलय में आता है और यहाँ से पूरे शरीर में हमारे वो आपूर्ति उसके पंप के द्वारा होती रहती है। तो बच्चों हृदय हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य भी करते हैं, ये शुद्ध रक्त की आपूर्ति करते हैं हमारे शरीर में, और उस शुद्ध रक्त के द्वारा ही हमें अपने भोजन पदार्थ की जो पोषक तत्व होते हैं वो सभी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। दूसरे कार्य को देखें तो हृदय हमारे अशुद्ध रक्त को हृदय से ले जाके फेफड़े में ले जाता है, फिर फेफड़ों में वो रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद वो रक्त पुनः हृदय में आता है, और ये जो प्रक्रिया होती है पुनः चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। हृदय कभी मतलब आराम की स्थिति में नहीं होता, आराम कब होता, जब जो हमारा हृदय की धड़कन चलती है उस धड़कन के बीच में जितने सेकंड का गैप होता है हृदय को उतनी ही देर का रेस्ट मिल सकता है, अदरवाइज हृदय हमारा कंटिन्यू कार्य करता रहता है। हृदय की ये आपकी बाह्य संरचना थी, ठीक है, ये बाह्य संरचना थी। आंतरिक संरचना में इसको हम लोग चार प्रकोष्ठ में बांट सकते हैं, दो आलिंद और दो निलय। ऊपरी भाग जो आपका होता है हृदय का आलिंद के रूप में हो जाता है और नीचे का भाग आपका निलय कहलाता है, और दाहिने निलय में अशुद्ध रक्त है और ये आपके बाएं निलय में जो आपका है शुद्ध रक्त जो पूरे शरीर में हमारे फैला हुआ है धमनियों सिराओं के माध्यम से, उससे हमारे शरीर में पूरे रक्त की आपूर्ति होती है। बच्चों ये आपके हृदय की संरचना थी और हमने इसके कार्य के बारे में भी बताया कि हृदय के क्या मेन कार्य होते हैं, पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति करना, और ये हृदय रक्त परिसंचरण संस्थान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इसमें इसको हृदय के साथ साथ धमनी और सिराएं भी इसकी मदद करती हैं, धमनी में हमारे शुद्ध रक्त और सिराओं में हमारे अशुद्ध रक्त की पूर्ति होती है, और हृदय के धड़कन के बीच में जो आपका दबाव होता है, रक्तचाप होता है, रक्त प्रेशर होता है, ये ब्लड के द्वारा ही होता है। कभी कभी हमारा हृदय पंप नहीं करता, वहाँ पे ब्लड के थक्के या कोटिंग टाइप की जम जाती है, तो फिर हमारे हृदय में इन प्रकोष्ठ के मतलब उनको करना पड़ता है। ये जो हृदय के ये भाग होते हैं बच्चों, ये आपस में मिलते नहीं है, ये दोनों कपाट दरवाजे की तरह बंद होते हैं, न इधर के इधर आ सकता है शुद्ध रक्त, न इधर की ऊँची चीज उधर जा सकती, इसलिए बीच में एक मोटी दीवार के रूप में ये हमारा हृदय डिवाइड होता है दाएं और बाएं में, और फिर हम दाएं और बाएं को दो दो ऊपर में बांट देते हैं, ऊपर का आलिंद और नीचे का निलय। इस प्रकार बच्चों ये थी हमारे हृदय की आपकी बनावट। हम लोगों ने पहले बाह्य संरचना को देखा और आंतरिक संरचना को देखा और इसके कार्य को जानना कि हृदय के क्या कार्य हैं। पहला कार्य हृदय का है बच्चों कि रक्त की आपूर्ति पूरे शरीर में करता है हमारे। दूसरा हो गया आपका कि ये अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों में ले जाता है, फेफड़ों से फिर वो रक्त शुद्ध होकर हमारे हृदय में आता है और सारे कार्य को करता है, और ये सारी प्रक्रिया क्या हमेशा चलती रहती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा हृदय की संरचना कैसी होती है और ये किस प्रकार ये हमारा कार्य करता है, ये आपकी हृदय की संरचना थी हम लोगों को की। आज की क्लास की नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके ब्लड प्रेशर और उनके जो कार्य हैं उनको देखेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है और क्या कैसे कितने में ब्लड प्रेशर हमारा होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों इतना, अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।